हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे पास आया एक नया प्रोडक्ट और इसमें मंगवाया हमने एक फ़ोन, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी तरह से पैक्ड है इस तरह से, और ये अमेज़न से मंगवाया है हमने, और अब देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है। तो सबसे पहले हम इसकी सीलिंग को तोड़ लेते हैं यहाँ से। तो इसके अंदर निकला है एक जी पर्चा, और इसमें पूरी बिलिंग वगैरह की गई है। इसको तो कोई देखता है नहीं, इसको संभाल के जरूर रखना पड़ेगा। और इसके बाद हमारे पास है ये U1। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये Realme का U1, और ये हमने मंगवाया है। देखते हैं इसके अंदर निकलता क्या है। ये पूरी तरह से पैक्ड है बिल्कुल, और अब हम इसको करते हैं ओपन। तो सबसे पहले इसको हम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर निकलेगा क्या, ये तो अब ईश्वर ही बता सकता है कि इसके अंदर क्या निकलेगा, क्योंकि कभी कभी पत्थर भी रखे आ जाते हैं जब ऑनलाइन से परचेस करते हैं हम कुछ। कई बार देखा है हमने, कई बार लोगों के साथ धोखा हुआ है। हम आशा यही करते हैं कि हमारे साथ धोखा ना हो। तो ये है इसका बॉक्सिंग, और यहाँ पर ये जो निकला है, तो इसका कवर जो है बैक कवर, तो बहुत अच्छा कवर आया है। इससे सेफ्टी के लिए है इसकी एक सेफ्टी, और यहाँ पर आए हैं ये पर्चे जो कि इनको कभी कोई खोल के भी नहीं देखता है। और यहाँ पर अब देखते हैं हमारा ये फ़ोन, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं इसके साथ में जो आया है। USB केबल यहाँ पर आई है चार्जिंग के लिए, और ये है इसका चार्जर। तो चार्जर की यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या स्पेसिफिकेशन दी है। और इसके बाद हम इसको रख देते हैं साइड में, और साइड में रखने के बाद आप देखते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है। हमने जो कलर मंगवाया था वो था ब्लू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में कितना अच्छा लग रहा है, और इसकी जो लुक जो है बहुत बेहतरीन है। रियलमी का इसी लुक की वजह से लोग इस पर फ़ायदा हो रहे हैं, और रियलमी के प्रोडक्ट और ख़ासकर फ़ोन जो है रियलमी के, वो इसी लुक के वजह से यहाँ पे बिक रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लुक कितना बहुत हेवी, कितना शानदार ये लुक नज़र आ रहा है। और ये इसका सेंसर, और यहाँ पे इसकी ये कैमरा है, और इसका यहाँ पर जो कैमरा दिया हुआ है, तो यानी यहाँ पर हमको जो मिला है इसमें 13+2 का है, और ये 13 MP का शायद इसमें से 13 और 2 का है कोई सा भी। और यहाँ पर ये जो फ्रंट कैमरा है सेल्फ़ी के लिए वो 25 MP का है। तो अब हम जल्दी से इसको बूस्ट कर लेते हैं, और देखते हैं इसका लुक कितना हैवी, कितना शानदार लग रहा है। अब हम इसको जल्दी से बूस्ट कर लेते हैं, बूस्ट करने के बाद आपको अभी दिखाएंगे। यहाँ पर फिंगर टेस्ट कर लेते हैं, और फिंगर टेस्ट के लिए हम यहाँ पर हमारी उंगली को इस तरह से लगाएंगे, और ये जो कई बार इसमें बटन के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर लगाते जाएंगे जब तक ये बोलेगा।
तो हमने ये फिंगर टेस्ट कर लिया है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम जाएंगे, ये एक दो तीन बार और बोलेगा 1 2 3। इस प्रकार ये हमारा फिंगर टेस्ट हो चुका है और अब यहाँ पे फेस अनलॉक के लिए आ रहा है। तो इसने फेस को भी डिटेक्ट कर लिया है लगभग लगभग, तो इसमें जो फेस अनलॉक का फीचर है वो भी इनेबल हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लुक कितना बेहतरीन है और लगभग लगभग आप इसकी चमक देख सकते हैं, ये बेहतरीन लुक इसमें नज़र आ रहा है। और इसका ये कैमरा स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, कैमरे की बहुत शानदार कैमरा है। दस हज़ार तक की रेंज का सवाल है तो 10,000 में लगभग लगभग इसमें बेस्ट फीचर इसमें दिए गए हैं। यहाँ तक हम जानते हैं कि 10,000 के फ़ोन में ज़्यादातर क्या आता है, इसका 3 GB तो रैम है और 32 GB इंटरनल मेमोरी है इसकी। और ये फ़ोन जो है 13 MP के कैमरा के साथ में तो पीछे से है और 13 और 2 के साथ में, और आगे जो इसकी फ्रंट कैमरा है वो है 25 MP का। तो इसका लुक जो बेहतरीन बनाता है इसको। तो अगर आपको ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हमने ये फ़ोन परचेस किया है, अब आने वाले वीडियो हो सकता है हम इससे ही शूट करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।